नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं मैंगो फलों का राजा होता है। वैसे तो मैंगो ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है, पर मैंगो से अनेकों प्रकार की डिश भी बनाई जाती हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो आज हम मैंगो से मैंगो कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। अब इसे मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। दूध हमने फुल क्रीम लिया है। दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। दूध उबलने लगा है। अब चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। हमने 2 चम्मच मैंगो कस्टर्ड लेके दूध में अच्छे से घोल लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालकर मिक्स करते रहेंगे। देखिए कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए अब हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। देखिए हमारा दूध अब पहले से और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। थोड़ी देर चलाते हुए और पकाना है। हमारा दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 1 कटोरी मैंगो प्यूरी मिक्स कर देंगे। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए हमने आम को छीलकर काटकर मिक्सी जार में पीस लिया है। प्यूरी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस भी बंद कर देंगे। हमने प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। हमने मैंगो कस्टर्ड को ठंडा करके एक बाउल में कर लिया है। हमने मैंगो को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम मैंगो के कटे पीसेस को ठंडे कस्टर्ड में मिक्स कर देंगे। हम आधे ही पीसेस को मिक्स करेंगे, आधे गार्निश के लिए बचा कर रखेंगे। हमने मैंगो पीसेस को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार है। तो आइए अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। पहले हम बचे हुए आम के पीसेस को इसके ऊपर से डाल देंगे। और हमने बादाम को लंबा लंबा चॉप कर लिया है, इन्हें भी हम इनके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए हमारा मैंगो कस्टर्ड बनकर तैयार है। कितना अच्छा कस्टर्ड बना है। इसे बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को धीमा रखना है और कस्टर्ड डालते समय लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाता है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।